दीपावली की शुभकामना समर्पित कर देते हैं। फिर क्या करते हैं उसके बाद में? हम दीपावली को और ये इस कॉन्सेप्ट होने से पहले, दीपावली हमारा जो पर्व होता है गांव में, जिस प्रकार किसी के यहाँ गमी होती है, पहले उसी के यहाँ ये कॉन्सेप्ट होगा। सबसे पहले उसी के यहाँ मेरैया होगी, जिसे हम वो समर्पित कहते हैं, वो हमारे यहाँ मेरैया कहते हैं उसे। तो सबसे पहले उस जिसके यहाँ गमी होती है उसके यहाँ वो होगी, तब लोग वहाँ से उनका एक दिया छत के ऊपर रख जाएगा, तब पूरे गांव में मेरैया शुरू हो जाएगी। मेरैया शुरू होगी तब सभी लोग उसमें, मेरैया में एक थाली होगी, थाली जो वो कांच की थाली होनी चाहिए और वो लोटा होना चाहिए, उसमें चावल है और ये सब चीज़ें इकट्ठी होने के बाद में तिलक वगैरह सब कुछ होता है और ये खील वगैरह है, गट्टा है, ये भी रखते हैं, उसमें मिठाइयाँ भी रखते हैं। और मिठाइयाँ सब चीज़ें रखने के बाद विधिवत हम पूजा करते हैं, उन बुज़ुर्गों का वो समर्पित करते हैं दीपावली। उसके बाद क्या करते हैं, वही जो थाल होता है वो हर कमरे में घुमाते हैं, जैसे लक्ष्मी का वास हो, क्योंकि उससे जो आशीर्वाद मिला हुआ होता है बुज़ुर्गों का, उससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमारा आगे का जीवन जो है, आगे के दिन होली तक बहुत अच्छे जाएँ और अच्छे ही प्रकार से परिवार चले, किसी प्रकार की कोई घटना विधिवत ना हो पाए। और पूरे देश में पूजन होता है गणेश लक्ष्मी का, लोग पूजन करते हैं, आपकी संस्कृति में किस तरह से पूजन होता है? देखो, हमारी समाज जो आर्टिफिशियल दीपावली नहीं मनाती है, हमारा समाज एक नेचुरल तरीके से जो दीपावली है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी मनाते थे लोग, वही हमारी समाज ने आज तक दीपावली चेंज नहीं की है। उन्हें किसी नई सभ्यता से जुड़ने का कोई इंटर अच्छा नहीं लगता है, उन्हें अपनी जो नेचुरल दीपावली है, जो प्राकृतिक तरीके से दीपावली मनाई जाती है, वही हमारा समाज दीपावली मनाता है और यही मनाता रहेगा, इसमें उन्हें खुशी मिलती है।